तो दोस्तों गाइस आप देख सकते हो, तो यहाँ पर इमरजेंसी लाइट को मैंने चार्जिंग पर लगा दिया है। थोड़ी देर गाइस चार्जिंग करने के बाद देखना इसको कुछ इस तरह से। गाइस आप देख सकते हो, तो यहाँ पर पूरा फुल जल रहा है बहुत अच्छे तरीके से। तो दोस्तों आप देख सकते हो गाइस, मेरे पास है एक इमरजेंसी लाइट, और गाइस यार ये इमरजेंसी लाइट खराब है। आप देख सकते हो, तो यहाँ पर इसका बटन हम चालू करते हैं, उसके बाद भी ये नहीं जल रहा है। गाइस चाहे जितना हम इसको चला लें ये जल नहीं रहा है। एंड चार्जिंग गाइस पूरे दिन होने के बावजूद इसके अंदर पीछे सोलर लगा हुआ है। आप देख सकते हो, तो यहाँ पर इसको सोलर से चार्ज होता है ये। इसके आप देख सकते हो, जब हम एलईडी के पास इसको करते हैं यहाँ पर, तो इसका जो ग्रीन बत्ती है चार्जिंग वाला मोड ये चालू हो जाता है, एंड इसके अंदर चार्जिंग होने लगता है। अब पता नहीं गाइस ये चार्जिंग होता है या नहीं, हो सकता है गाइस इसके अंदर कोई वायर टूट गया हो जिसकी वजह से चार्जिंग ना हो रहा हो एंड इसका लाइट जल रहा हो। तो गाइस इसको भी हम देखने वाले हैं खोलकर। एंड यहाँ पर गाइस इसका चौड़ा पिन दिया हुआ है, जो मोबाइल का चार्जर होता है उससे भी आप इसको चार्ज कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर, एंड गाइस यहाँ पर साफ साफ वार्निंग लिखा हुआ है, तो ये सब सारी चीज़ें गाइस हम पढ़ने वाले बिल्कुल भी नहीं है। चलिए हम इसको देखते हैं खोल कर, सबसे पहले खोल लेते हैं इसको ठीक करने के लिए। एंड गाइस आपके पास भी इस तरह की इमरजेंसी लाइट है तो आप भी इसको ठीक कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो चलिए गाइस देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम। पहले तो इसको हम खोल लेते हैं गाइस, खोलना काफी इजी है। एंड गाइस इसके अंदर लिथियम आयन बैटरी लगा हुआ था गाइस, सच में गाइस बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है लिथियम आयन बैटरी। आप देख सकते हैं, मुझे लगा था गाइस कोई हो सकता है लेड एसिड बैटरी हो 4 वोल्ट का, लेकिन यार इसके अंदर तो लेड एसिड बैटरी है। लेकिन गाइस ये जल क्यों नहीं रहा ये देखना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर इसका बैटरी का जो नेगेटिव वायर है ये टूट गया था, इसका जो यहाँ पर सेफ्टी बेल्ट था ये ढील होने की वजह से, जो टाई था ये ढीला हुआ था, इसी वजह से थोड़ा हिला डुलने की वजह से इसका वायर टूट गया था। और गाइस ये वायर बहुत ज़्यादा कमजोर लगाया जाता है कंपनी की तरफ से, आप देखे तो यहाँ पर। तो इसको हम निकाल लेंगे इस वायर को, और मजबूत वायर इसमें हम जोड़ देंगे। इस वायर को हम निकालने के बाद हमें इसमें मजबूत वायर जोड़ना है नेगेटिव वायर पर, ताकि गाइस ये काफी लंबे समय तक चले एंड टूटे ना फिर से बार बार ही। बहुत ही ज्यादा मजबूती के साथ सोल्डर कर दिया है। एंड इस पर नेगेटिव वायर को भी बैटरी के जोड़ लेते हैं, सोल्डर कर देते हैं इस पर भी। एंड सोल्डर करना इस पर भी काफ़ी ईजी है तो कर ही लेते हैं। हो गया गाइस, बहुत ही मजबूती के साथ गाइस इस पर सोल्डर हो गया है। आप देख सकते हो, अब ये टूटेगा नहीं गाइस, चाहे इतना ही लेगा। एंड इसके दोनों वायर को मैंने जोड़ दिया है। एंड गाइस अब ये जलेगा, थोड़ा भी बहुत चार्जिंग होगा इसके अंदर। तो आप देखिए तो ये जल रहा है थोड़ा सा गाइस, लेकिन चार्जिंग नहीं है इसके अंदर। चार्जिंग करते हैं उसके बाद दिखाते हैं आपको। गाइस इसके बेल्ट को आउट टाइट करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गया है गाइस, मुझे लगता है कि अब ये नहीं छोड़ेगा। इसका वायर अच्छे तरीके से जुड़ गया है एंड काफ़ी मजबूती के साथ हो गया। तो गाइस इतना ही काम इसके अंदर करना था, एंड इसी की वजह से गाइस ये ख़राब था, चार्जिंग नहीं हो रहा था इसके अंदर, इसकी वजह से जल नहीं रहा था। बट गाइस सोलर काम कर रहा था जिसकी वजह से इसका लाइट जो था ग्रीन वाला ये जल रहा था, एंड अभी भी ये जलेगा। अभी देख सकते हो यहाँ पर ये जल रहा है, आप देखिए तो गाइस यहाँ पर ये जल रहा है अच्छे तरीके से। तो गाइस इसको हम उठाकर फिर से दोबारा पैक कर देते हैं कुछ इस तरह। तो दोस्तों गाइज आप देख सकते हो, तो यहाँ पर इमरजेंसी लाइट को मैंने चार्जिंग पर लगा दिया है। थोड़ी देर गाइस चार्जिंग करने के बाद आपको टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। एंड गाइज ये फाइनल बनकर रिपेयर हो चुका है, आप देख सकते हो। तो इतना ज़्यादा इजी था एंड एक भी पैसा नहीं लगा है। इसको हम सोलर से आपको भी दिखा रहे हैं चार्जिंग होकर, इसके पिन को हम निकाल लेंगे एंड धूप में चलते हैं लेकर। तो गाइज अभी देख रहे हो यहाँ पर धूप में हम इसको करते हैं, तो ये चार्ज हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से ये इमरजेंसी लाइट। तो ये दोनों
अच्छे तरीके से काम कर रहा है, यानी कि लाइट से भी एंड सोलर से काम करता है अच्छे तरीके से, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर ये चार्ज होने के बाद अब मैं आपको इसका टेस्ट करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चार्ज हो चुका है पूरी तरीके से, एंड अब देखना इसको कुछ इस तरह से गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पर ये पूरा फुल जल रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से। एंड इसको हम कम कर सकते हैं इसके लाइट को, इस हिसाब से हम इसको कम कर सकते हैं इसके लाइट के ब्राइटनेस को गाइस, हम इसको कम कर सकते हैं एंड फुल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से इसको। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि गाइस अभी के टाइम में हमारा चैनल बहुत ज़्यादा यार डाउन चल रहा है, जिसकी वजह से वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। तो आप लोगों का थोड़ा बहुत प्यार है गाइस जिसकी वजह से वीडियो बना रहा हूँ, वरना गाइस वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, लेकिन गाइस वीडियो बना रहा हूँ। तो यार आप लोग एक लाइक कर दीजिए ताकि हम फिर से और अच्छे तरीके से आप लोगों को कॉन्टेंट दे सकें नए नए तरीके से। एंड आज का वीडियो यही पर हम सकते हैं, हम मिलते हैं इसी तरह किसी नए वीडियो में नई टॉपिक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।